पूरे राजधानी में दशहरा की धूम मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बाइकर्स को लेकर के, तो बाइकर्सों ने पटना के मरीन ड्राइव पर काफ़ी उत्पात मचा रखा था। आपको बता दें कि नवमी की रात को पूरन झा एसपी के नेतृत्व में ऐसे जो बाइकर्स गैंग हैं उनके गाड़ियों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए 101 गाड़ियों को पटना पुलिस ट्रैफिक के द्वारा उठाया गया है, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर से एसपी ने कहा है कि ऐसे जो गाड़ियां होती हैं और लोग होते हैं जो ड्राइव संतुलन में नहीं चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग चलाते हैं और जो रश ड्राइविंग करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर क्या बयान दे रहे हैं ये ट्रैफिक एसपी पूरन झा, जा देखें। आ रहे हैं रॉन्ग से ड्राइविंग कर रहे हैं आज, बाकी आम पब्लिक को जिनसे दिक्कत हो रही है उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। कितनी गाड़ियाँ अभी तक पकड़ी गई होंगी? हम लोगों ने कल 41 गाड़ी पकड़ी थी, आज 101 गाड़ियाँ अभी तक हो चुकी है और अभियान हमारा चालू है। क्या कहेंगे जो लोग इस तरह के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि त्यौहार का सीजन है, इसको फेस्टिव सीजन को एन्जॉय करिए। आपकी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गाड़ी हमेशा स्पीड लिमिट में ही चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। कितने पुलिस लगाए गए हैं ये मरीन ड्राइव को लेकर? जी मरीन ड्राइव पे हमारे 10 एएसआई पुरुष से कार्यरत थे, भी एक डीएसपी साहब डेडिकेटली मरीन ड्राइव के लिए हैं, 4 हमारा रेगुलेशन हमने मरीन ड्राइव पे दिया है। इसके अलावा डॉल्फिन गाड़ी है 2, वो मरीन ड्राइव के लिए, एक इंस्पेक्टर है डेडिकेटली मरीन ड्राइव के लिए रात में है। अभी तक अभियान में कितने फाइन काटे गए? फाइन इन लोगों का हम लोग अभी एक बार संचालन में पहुंचे, उसके बाद हम लोग इन पे शमन की कार्रवाई करेंगे। ये गाड़ी कब तक छोड़ी जाएगी? ये गाड़ी कल सुबह छोड़ दी जाएगी। धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि उन्होंने आम लोगों को भी संदेश दिया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी आम लोगों की मदद चाहिए, और आम लोग से हम मदद इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अगर आम लोग चाहेंगे तभी ट्रैफिक व्यवस्था सुगम तरीके से चल पाएगी राजधानी में। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी रोड पर चलते हैं वह स्पीड लिमिट में चलें, गाड़ियों को स्पीड लिमिट में चलाएँ और रश ड्राइविंग न करें। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।